खबर गुजरात के बनासकांठा की है, जहां कांग्रेस पार्टी के 200 कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। सभी मौजूदा कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का जोरदार आह्वान किया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की कमान अमीरगढ़ तहसील के प्रमुख के रूप में भारत सिंह राभी को दी गई है, ताकि बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो सके। आज सुबह इकबालगढ़ के विश्वेश्वर महादेव मंदिर में आम आदमी पार्टी की बैठक आयोजित हुई। उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री रमेश भाई नभानी, बनासकांठा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रमेश भाई पटेल, अमीरगढ़ प्रभारी रज्जाक काका की उपस्थिति में एक भव्य बैठक आयोजित की गई, जिसमें लगभग 200 लोग अमीरगढ़ तहसील के अध्यक्ष भरत सिंह राभी ने लोग खेस पहनकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। सभी मौजूदा कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने और विधानसभा पर कब्जा करने का आह्वान किया गया है। चौहान जुमीबेन बाबू भाई, जो पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस में सेवा कर रहे हैं, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और एक महिला अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का वादा किया गया, जिसका उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। संवाददाता डाभी जोधार सिंह की रिपोर्ट। भारत माता की जय। बस अत्रे अन्या आपके बच्चे उपस्थित छे एवा युवान तरवरिया अने पोते ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सर्जन छे एवा डॉक्टर रमेश भाई अने अपना जिलाना प्रमुख श्री साथे पालनपुर तालुकाना प्रमुख श्री कल्पेशभाई सालवी, डीसा तालुकाना प्रमुख शंकर भाई, अपना तालुकाना पालनपुर तालुकाना उप प्रमुख श्री वसीम भाई तथा किसान सेना कन्वीनर अहीथी बोलाई अने बधाने भेगा कर्या छे एवा अहींना तालुकाना प्रभारी श्री रजा काका, अपना प्रमुख अने मुरब्बी श्री डाभी साहेब तथा शोभाजी, शोभाजी नाम उन्होंने पर अध्यक्ष तथा नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।